आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मार्केट से भी अच्छा पलहारी साबूदाना आलू नमकीन। ये नमकीन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए कितना क्रंची बना है ना। नॉर्मली जब हम साबूदाना को फ्राई करते हैं तो ये दांतों में चिपकता है, पर मैं आपको आज इसकी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। नमस्कार, स्वाद का धमाका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना आलू नमकीन। तो चलिए जानते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट। दो आलू जिसे हमने छील कर वॉश करके फिर हमने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, देखिए इस तरीके से। फिर हमने इसे स्टार्च निकालने तक अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर किचन टॉवल में हमने इसे पोंछ कर सुखा कर फिर लिया है। एक चौथाई कप हमने बड़े वाले साबूदाने लिए हैं, देखिए इस तरीके का। 2 से 3 टेबल स्पून हमने कड़ी पत्ता लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने हरी मिर्च लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हमने सेंधा नमक लिया है। काली मिर्च हमने 1/2 टेबल स्पून लिया है। ये हमने सूखा नारियल लिया है, इसे हमने इसे लंबे लंबे कट करके ले लिए हैं। किशमिश लिया है 1 से 2 टेबल स्पून। काजू लिया है हमने 1 से 2 टेबल स्पून। बादाम लिया है 1 से 2 टेबल स्पून। चलिए हम इन सबको फ्राई करते हैं। देखिए हमने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू के लच्छे डाल देंगे। और इसे हम क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये क्रंची हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इन आलू के लच्छों को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए हमने आलू लच्छे को निकाल लिया है और बाकी को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है। हमने सारे आलू के लच्छों को फ्राई कर लिया है। अब हम साबूदानों को फ्राई करेंगे। अब हम इसी ऑयल में ये साबूदाने डाल देंगे। देखिए सारे साबूदाने ऊपर आने लगे हैं फ्राई हो के। हमें इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई करना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएं। देखिए हमारे साबूदाना फ्राई हो गए हैं। अब इसमें चटकने की आवाज़ भी नहीं आ रही है ज़्यादा। हमने इसे पहले तेज़ आंच में फ्राई किया, फिर उसके बाद स्लो टू मीडियम आंच में हमने इसे फ्राई किया। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इसे भी हम स्ट्रेनर में थोड़ी देर रहने देंगे, 2 से 3 मिनट, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और बाकी चीज़ें भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसी ऑयल में सारे ड्राई फ्रूट भी फ्राई करेंगे। बादाम डाल देते हैं। देखिए बादाम फ्राई हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। काजू को भी फ्राई कर लेंगे। काजू को हम 20 से 30 सेकंड ही भूंजेंगे, ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्ची, नारियल, कड़ी पत्ता, इन सबको फ्राई कर लेंगे। 20 से 30 सेकंड ही फ्राई करेंगे इन्हें भी। देखिए ये फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए हमने सब कुछ फ्राई करके निकाल लिया है। हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें जो फ्राई करके साबूदाना रखा था वो डाल देंगे। आलू के लच्छे डाल देंगे, ड्राई फ्रूट, नारियल, ये सब भी डाल देंगे, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। आप चाहें तो इसमें मखाने और मूंगफली को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। काली मिर्च भी डाल देंगे, सेंधा नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। साबूदाना आलू नमकीन बनकर तैयार है। ये एकदम मार्केट स्टाइल में बनाया है हमने। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। प्लीज़ मेरे चैनल स्वाद का धमाका को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।